हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो ये हमारी गाड़ी है एस क्रॉस और इसमें देख सकते हैं चेक इंजन लाइट आ रही है। ये चेक इंजन लाइट आ रही है और इसमें मैं प्रॉब्लम ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि इसका पिकअप लो हो गया है जब से ये चेक इंजन लाइट आई है। आप इसको देख भी सकते हैं कि जैसे मैं अभी 60 की स्पीड के ऊपर चल रहा हूँ और एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो धीरे धीरे पिकअप बना रही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ये पिकअप बहुत ही स्लो बना रही थी। अभी पिकअप थोड़ा सही है और इसका हम चेक करेंगे कि इसमें क्या DTC आ रही है, किस कारण से ये चेक इंजन लाइट इसमें एस क्रॉस में ये जल रही है, तो इसको हम देखेंगे। ये इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी और इसमें जो कोड आ रहा है इंजन से रिलेटेड है P0107 मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर का है और AC से रिगार्डिंग आ रहा है B1546 AC रेफ्रिजरेंट प्रेशर माल फंक्शन। तो ये कोड इस चक्कर में आ रहा है क्योंकि इसमें अभी AC गैस डली हुई नहीं है और सनलोड सेंसर का कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी ये इतना इसमें रोशनी नहीं पड़ रही है सूरज की, जिस कारण से ये कोड आ रहा है। ऑटोमेटिक AC है क्योंकि, और इसका हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई वायर वायर तो अगर नहीं निकला हुआ है, वायर निकला होता तो वैसे करंट में आता, लेकिन ये कोड अभी हिस्ट्री में आ रहा है तो इसे हम सेंसर चेक कर लेंगे। तो देखते हैं, पहले मैं इसका DTC क्लियर कर देता हूँ। DTC में ये क्लियर कर दिया है और एक बार देखते हैं मैप सेंसर की वैल्यू आ रही है कि नहीं। ओपन हो रहा है ये हमारा भी, मैप सेंसर ये है। सर हाँ, पाइप रेंज है अपने पास? पाइप रेंज होगी है? होगी है कि कहाँ है? केबिन में रखी मेरी। ले रहा है कहाँ पे? इसको बता दो। ये कैसे बात बका रही है? ये पाइप रेंज अभी आप देख रहे थे तो ये वैल्यू बढ़ नहीं रही थी एक्सीलेटर लेने पे, और एक्सेलेटर ले रहे हैं ये वैल्यू बढ़ रही है। दिक्कत ये थी कि टर्बो चार्जर का जो पाइप था वो सही से फिट नहीं था और टर्बो चार्जर का पाइप निकल आया था बाहर, जिसके कारण से ये लाइट आ रही थी चेक इंजन लाइट। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा था टर्बो चार्जर का पाइप। यहाँ से है खोलने के लिए बोनेट, बोनेट खोल लेते हैं हम और इसको निकाल ले रहे हैं। और ये जो पाइप लगा हुआ है ये पाइप निकल गया था, जिसके कारण से चेक इंजन लाइट आ रही थी। तो अगर मैनिफोल्ड का कोई भी पाइप रहेगा, इंटेक एयर का कोई भी पाइप अगर निकला होगा सही से या फटा होगा तो मैप सेंसर का कोड आएगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।